हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल Next News 9 को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। दुबई में जब चेकअप के लिए लाया गया ऊंट, ऐसा था नजारा। दुबई में ऊंटों के लिए पहला हॉस्पिटल खोला गया है। इसमें चेकअप और इलाज के लिए ऊंटों का आना भी शुरू हो गया है। 69 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हॉस्पिटल में इस गल्फ स्टेट के सबसे पसंदीदा पेट्स का इलाज किया जाएगा। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सब कुछ मौजूद है। बता दें, ऊंट अब भी यूएई की धरोहरों का एक अहम हिस्सा है। इन फैसिलिटी से है लेस। हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद अल बुलोशी ने कहा कि नया हॉस्पिटल दुनिया में अपने तरह का पहला हॉस्पिटल है जो ऊंट और यहाँ के खास पेट्स की देखभाल के लिए बना है। बुलोशी ने कहा कि हमें लगा कि ऊंट की देखभाल जरूरी है। ऊंट की देखभाल सिर्फ ब्रीडिंग के लिए नहीं बल्कि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरी है। इस हॉस्पिटल में एक साथ 20 ऊंटों का इलाज किया जा सकता है। यहाँ मिनी रेस ट्रैक भी बनाया गया है ताकि मेडिकल प्रोसीजर के लिए उसे ऊपर ले जाया जा सके। हॉस्पिटल में 8 मेडिकल इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग थिएटर्स और इलाज के लिए इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम है। यहाँ सर्जरी की फीस की शुरुआत 63,000 रुपए से है। वहीं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए फीस की शुरुआत 7,000 रुपए से है। ये हॉस्पिटल ऊंटों की मेडिसिन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। मार्केटिंग और फाइनेंस फैसिलिटी के हेड हसन उल हक ने कहा कि हमारी कोशिश ऊंट से जुड़े सीक्रेट्स को सामने लाना है। बता दें, दुबई में ऊंट लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इनके लिए बड़ी नीलामियाँ होती हैं। ये कैमल रेस और कैमल ब्यूटी पेजेंट्स का भी हिस्सा बनते हैं।